स्टार प्लस का पॉपुलर शो अनुपमा दर्शकों की पहली पसंद बना हुआ है। जब से ये शो लॉन्च हुआ है तब से अपनी यूनिक स्टोरी लाइन और अच्छे किरदारों के चलते ये शो टीआरपी के मामले में टॉप पे बना हुआ है। शो पिछले 7 महीनों से दर्शकों का भरपूर एंटरटेनमेंट कर रहा है। शो का हर एक किरदार दर्शकों को अपने परिवार के सदस्य की तरह लगता है। तो आइए जानते हैं दर्शकों के इस पसंदीदा शो के कलाकारों के रियल लाइफ फैमिली के बारे में। इस लिस्ट में नंबर 1 पर है रूपाली गांगुली। शो में रूपाली गांगुली अनुपमा का लीड रोल निभा रही है, जिन्हें दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। रूपाली गांगुली ने 8 साल पहले यानी 6 फरवरी 2013 को अपने बेस्ट फ्रेंड अश्विन वर्मा से शादी की थी। रूपाली गांगुली अश्विन को शादी के 12 सालों पहले से जानती थी। वही अश्विन और रूपाली का एक बेटा भी है जिसका नाम रुद्रांश है। वही रूपाली गांगुली के करियर की बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2000 में सीरियल सुकन्या से की थी, लेकिन रूपाली को 2003 में टेलीविजन शो संजीवनी से असली पहचान मिली थी। संजीवनी के बाद सीरियल साराभाई वर्सेस साराभाई में मोनिशा के किरदार में रूपाली को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। इसके सिवा रूपाली कई और शोज में भी नजर आ चुकी है, लेकिन अनुपमा के लीड रोल में वे दर्शकों का दिल जीत रही है। लिस्ट में अगला नंबर है सुधांशु पांडे का। अनुपमा के पति का किरदार एक्टर सुधांशु पांडे निभा रहे हैं। शो में सुधांशु की एक्टिंग को काफी पसंद किया जा रहा है। शो में वे 3 बच्चों के पिता का किरदार निभा रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो अपने शो के किरदार से एकदम अलग है। सुधांशु की शादी मोना पांडे के साथ हुई है। रियल लाइफ में सुधांशु एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक अच्छे पति भी हैं। सुधांशु और मोना के 2 बच्चे हैं। उनके बेटों के नाम निर्वाण और विवान पांडे हैं। रियल लाइफ में सुधांशु एक फैमिली मैन है और उनके परिवार के साथ शानदार बॉन्डिंग शेयर करते हैं। सुधांशु को अनुपमा के सिवाय खिलाड़ी 420, ये मेरी लाइफ है, सिंग इज किंग, यकीन, सिंगम, राजधानी एक्सप्रेस, बाईपास रोड जैसी फिल्मों में भी देखा गया है और वे जल्द ही सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे में भी नजर आने वाले हैं। इस लिस्ट में अगला नंबर है मदलसा शर्मा का। अनुपमा शो में मदलसा शर्मा वनराज की गर्लफ्रेंड काव्या का किरदार निभा रही है। मदलसा एक्ट्रेस होने के साथ साथ मॉडल भी है। वहीं आपको बता दें मदलसा शर्मा बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की बहू है। मदलसा ने मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाशय से साल 2018 में शादी की थी। वहीं मदलसा शर्मा पॉपुलर एक्ट्रेस शीला शर्मा की बेटी है। मदलसा ने साल 2009 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। वह तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में नजर आई थी। वहीं मदलसा को अनुपमा में काव्या के किरदार में काफी पसंद किया जा रहा है। इस लिस्ट में अगला नंबर है पारस कलनावत का। शो में अनुपमा और वनराज के बेटे समर शाह का किरदार एक्टर पारस कलनावत निभा रहे हैं। पारस एक्टर होने के साथ साथ मॉडल भी हैं और साल 2017 में टीवी सीरियल मेरी दुर्गा से उन्होंने टेलीविजन पर डेब्यू किया था। आपको बता दें पारस का जन्म 9 नवंबर 1996 को मुंबई में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी स्कूलिंग नागपुर से की है। पारस के पिता भूषण कुलनावत बिजनेसमैन है, वही उनकी माँ हाउसवाइफ है। एक्टिंग के साथ साथ डांस का शौक रखने वाले पारस एक्ट्रेस उर्फी जावेद को डेट कर रहे थे, लेकिन दोनों का ब्रेकअप हो गया। वहीं पारस ने मरियम खां, कौन है, लाल इश्क जैसे शोज में काम करके काफी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है। वहीं पारस कई सारी वेब सीरीज दिल ही तो है 2, इश्क आजकल में भी नजर आ चुके हैं। इस लिस्ट में अगला नंबर है आशीष मेहरोत्रा का। अनुपमा और वनराज के बड़े बेटे तोशु का रोल आशीष मेहरोत्रा निभा रहे हैं। आशीष एक फिटनेस फ्रिक एक्टर हैं और वे फियर फाइल्स, ये कहां आ गए हम जैसे शोज में भी नजर आ चुके हैं। आशीष ने साल 2014 में अपने करियर की शुरुआत की थी। टीवी इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले आशीष दिल्ली में कोरियोग्राफर थे। वही आशीष के फैमिली की बात करें तो उनके पेरेंट केदारनाथ मेहरोत्रा और नीति मेहरोत्रा है। वही आशीष की सिस्टर मिनी चोपड़ा शादीशुदा है। इस लिस्ट में अगला नंबर है मुस्कान बामने का। शो में अनुपमा और वनराज की बेटी पाखी का किरदार मुस्कान बामने निभा रही है। मुस्कान एक एक्ट्रेस और मॉडल है और उन्होंने अपना टेलीविजन डेब्यू
साल 2017 में शो बकुला बुआ का भूत से किया था। इसके सिवा मुस्कान को सुपर सिस्टर शो में भी देखा गया था। 25 अक्टूबर 2001 को जन्मी मुस्कान बामने ने अपने करियर की शुरुआत एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट 2017 में एक शॉर्ट फिल्म ट्रुथ एनकाउंटर से की थी। वहीं मुस्कान ने अपना बॉलीवुड डेब्यू श्रद्धा कपूर की फिल्म हसीना पारकर से की थी। इसमें उन्होंने हसीना पारकर की बेटी उमायरा का किरदार निभाया था। आपको बता दें, मुस्कान की बड़ी बहन सिमरन बामने भी एक एक्ट्रेस है। नंबर 7 पर है निधि शाह। शो में तोशु की वाइफ का किरदार एक्ट्रेस निधि शाह प्ले कर रही है। निधि ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बॉलीवुड से की थी। उन्होंने मेरे डैड की मारुति फिल्म में कैमियो के जरिए डेब्यू किया। इसके बाद फटा पोस्टर निकला हीरो में भी निधि को देखा गया था। निधि ने टेलीविजन शो जाना ना दिल से दूर से टीवी की दुनिया में कदम रखा और इस शो से निधि को काफी पॉपुलैरिटी भी मिली थी। इसके अलावा उन्हें कवच और कार्तिक पूर्णिमा जैसे शोज में भी देखा गया। आपको बता दें, निधि शाह गुजराती फैमिली से ताल्लुक रखती है, लेकिन उनका जन्म मुंबई में हुआ था। 1998 में मुंबई में जन्मे निधि के पिता बिजनेसमैन हैं, लेकिन लाइमलाइट से दूर रहते हैं। वहीं निधि की माँ फैशन डिजाइनर। निधि का एक भाई भी है जो अभी ग्रेजुएशन कर रहा है। वहीं खबरों के मुताबिक निधि शाह हरीश चंदनानी को डेट कर रही है। एक टीवी शोज में काम करते हुए इनकी मुलाकात हुई थी। इस लिस्ट में अगला नंबर है अंगा भोसले का। शो में समर की गर्लफ्रेंड नंदिनी का किरदार अंगा भोसले निभा रही है। इस शो से पहले अंगा ने साल 2020 में दादी अम्मा मान जाओ शो से अपना टेलीविजन डेब्यू किया था। टीवी में आने से पहले अंगा मॉडल थी। अंगा का जन्म और उनकी पढ़ाई पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। अंगा के माता पिता कल्पना और अरविंद भोसले हैं। बचपन से ही एक्टिंग का शौक रखने वाली अंगा अपने पैशन को फॉलो करते हुए मुंबई आ गई और मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की। इसलिए इसमें अगला नंबर है अरविंद वैद्य का। अनुपमा में वनराज के पिता का किरदार अरविंद वैद्य निभा रहे हैं। अरविंद वैद्य साराभाई वर्सेस साराभाई, खिचड़ी, सास मीरा ससुराल जैसे कई शोज में नजर आ चुके हैं। गुजरात में जन्मे अरविंद वैद्य ने अपने करियर की शुरुआत गुजराती थिएटर से की थी और साथ ही कई सारी गुजराती फिल्मों में भी काम किया है। साथ ही आपको बता दें, अरविंद वैद्य पॉपुलर टेलीविजन एक्ट्रेस वंदना पाठक के पिता हैं। इस लिस्ट में अगला नंबर है तस्नीम शेख का। तस्नीम अनुपमा शो में राखी दवे का किरदार निभा रही है। तस्नीम ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कसौटी जिंदगी की जैसे सीरियल्स में नेगेटिव किरदार निभाकर काफी पॉपुलैरिटी हासिल की थी। तस्नीम पिछले 22 सालों से टेलीविजन इंडस्ट्री में एक्टिव है। अपनी बेटी की परवरिश को ध्यान में रखते हुए तस्नीम ने अपने काम से ब्रेक ले लिया था, लेकिन अपनी बेटी के ही कहने पर उन्होंने वापस टेलीविजन इंडस्ट्री में कदम रखा। तस्नीम इस वक्त अनुपमा में राखी के किरदार से काफी पॉपुलैरिटी हासिल कर रही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। एंटरटेनमेंट से जुड़ी और भी चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।